लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। यूपी है तो फिर क्या कहना, कैमरा है पर कैमरे की नजर में नहीं है। दूसरे शब्दों में सावधान, आप कैमरे की नजर में नहीं है। कैमरे की किरदार की परिभाषा की विपरीत परिभाषा आपके शायद समझ में नहीं आ रही हो, पर यह कहानी किसी कैमरे की नहीं अपितु पुलिस निगरानी वाली कैमरे की है, जो बाकायदा लाखों खर्च कर चौक चौराहों पर घटित घटनाओं की निगरानी के लिए लगाया गया है। पर सिर्फ कैमरा है, कैमरे का न वायर है न कैमरे को चलाने के लिए कोई प्रबंध। यह कहानी कहीं और की नहीं, निचलोल में तिराहे की है, जहाँ 3 CCTV कैमरे लगे तो हैं पर रिकॉर्ड कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ शो पीस बन कर रह गए हैं। यदि मुहावरों की भाषा में कहा जाए तो कैमरे हाथी के दांत मात्र हैं और कुछ नहीं। बात यही खत्म हो जाती तो ठीक था, पर सवाल यह उठता है कि कैमरा तो वर्ष 2014 में ही लग चुका है, पर कैमरे को चलाने वाली अन्य पुर्जे आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। प्राप्त समाचार अनुसार वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शरद सचान द्वारा चुनाव और चौराहे की एक्टिविटी की निगरानी हेतु निचलोल में तिराहे पर 3 कैमरे लगवाए गए। कैमरे को चालू करने हेतु तिराहे की एक दुकान से निवेदन कर पुलिस अधीक्षक द्वारा विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया। तत्काल कैमरे चालू हो गए, लेकिन कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं इसकी तहकीकात करने हेतु डिस्प्ले या LCD नहीं लगाए गए। समय बीतता गया और कैमरे की रखरखाव और चौराहे की निगरानी की बात पुलिस के दिमाग से ओझल होती गई, जिसकी शिकायत हुआ तो एक LCD उक्त दुकानदार जिससे दुकान से विद्युत कनेक्शन लिया गया था के यहाँ पहुँचा दिया गया। न तो वायर जोड़े गए और न ही कैमरे को 24 घंटे संचालित करने हेतु इन्वर्टर या विद्युतीकरण का व्यवस्था किया गया। नतीजा आज यह है कि 2 बार कैमरे टूट कर नीचे गिर चुके हैं। आसपास के दुकानदारों द्वारा उसे ठीक उसी शो पीस के अंदाज में टांग दिया गया है कि देखने वालों को यह प्रतीत हो कि कैमरा संचालित है। लगातार 2 दिनों से मेन तिराहे पर घटनाएं घटित हो रही हैं। एक दिन पूर्व की बात है, पटरी के दुकानदारों फल व्यवसायियों की दुकान खंगाली गई थी, तो वहीं आज ठीक मेन तिराहे पर जमकर कुछ लोगों में टूट बनाकर मारपीट किया गया है। दोनों पक्षों द्वारा तमाम दलील प्रस्तुत की गई, पर हकीकत को कैमरे ने कैद ही नहीं किया। यह उदासीनता उस कैमरे की नहीं थी, विभाग की थी, और विभाग बौना बनकर रह गया है। कैमरे की कैद कुछ भी नहीं हुआ है। खबर का असर विभाग को होगा या नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता है, पर यह जरूर है कि इन्वर्टर और अन्य उपकरणों के धन का पता नहीं चल पा रहा है कि वो किसने खा लिया है। मेरा नाम शाहबुद्दीन है और ये जिला प्रशासन अधिकारी के जरिए जो है ये कप्तान साहब के जरिए ये CCTV कैमरा लगा था 2014 के चुनाव में, और वायर्स लगवाने के लिए तो कहे थे कि यहाँ पे लगवा लीजिए और इन्वर्टर और बैटरी भी हम लगवा देंगे जिसके जरिए ये चलता रहेगा। आज तक इन्वर्टर बैटरी नहीं लगा, बीच में ख़राब हुआ, तो शिकायत करने पर केवल जो है ये LCD ला करके रख दिया गया और ये LCD भी नहीं सेट हुआ और यह अभी भी चलता नहीं है। इसलिए नहीं चलता है कि ना हमारे पास इन्वर्टर आया ना बैटरी भी थी इसकी, और ना बिजली का कनेक्शन ये लोग हमको दे पाए। ये तो प्रशासन थाने की जिम्मेदारी है। आपने इसकी शिकायत की थी कप्तान साहब से? हमने शिकायत किया था 2-3 बार। क्या कोई कार्रवाई हुआ? केवल वही कहने पर जो है उनके कहने पर आकर के LCD TV ला करके रख दिए लोग सेट करके फिर से चेक ओक करके। ये 30 जगह का क्या लोकेशन है? ये तीनों चौराहे तीनों सड़कों के जो है लोकेशन बताता था पहले, इसी जगह पे लगाइए मेन तिराहा चौराहा निचलोल। जनपद महाराज इनके निचलोल से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।